सूरज शादी के दूर किसी गांव का लड़का ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। घर से दूर एक नए शहर जा रहा है। माता पिता की उम्मीदें भी, आंखों में ढेरों सपने भी। अपनी माँ से विदा लेकर निकल पड़ता है। मैं नहीं जीता।
डॉक्टर आने लगा आते दिन अंदर माइक दो ना। हेलो 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 नमस्ते नमस्ते बा अलग सूरज को दोस्त तो मिले लेकिन दोस्त ऐसे जो उसको एक दूसरी ही राह पर ले जाए, और सूरज भी इसी प्रवाह में बहता चला गया। पढ़ाई से कोसों दूर, घर से मिले पैसे भी सूरज दोस्तों के साथ मुंबई में उड़ाने लगा। ग्रेजुएशन के 3 साल गुजर गए, उसे पता भी न चला। सूरज को घर से मुश्किल से ही पैसे मिलने लगे, और अब सूरज को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, और वो रास्ता था पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। भैया ये थोड़ी किताबें चाहिए थी यार, ये दृष्टि विद्यार्थी की चाहिए, पूरा बंदे किताबें चाहिए थी, मतलब पता हो जाए डिस्काउंट डिस्काउंट तो करोगे ना, इन दो किताबें दिखा जा तो क्या तो की किताब दिखा दो मेरे पास 800 रुपया है, 800 है ना। आगे तैयारी करूँगी, नाम रोशन रोको।
वैसे तेरा गांव कहाँ पड़ता है? मेरा मुंशारी बोरीपार। बोरीपार का हुआ क्यों? अरे यार भला मैं तो मुंशारी से हूँ यार। अरे गांव मेरा नाना से मेरा पूछो। अच्छा और बताया और किताब किताब का कुछ और पा देना। अरे थोड़े पैसे कम कर देना। पैसे कम? हाँ तो दोस्तों दोस्तों ने यार घूम फिर के थोड़ा वो खर्च हो गया तो घर वालों को भी पता चल गया तो घर वालों ने कहा हम पैसे नहीं दे चुके वो अपना खुद ही कर ले जैसे करता है तब उसके बाद भी पढ़ाई कर रही कोचिंग कोचिंग की लाइब्रेरी अभी कर रहे हैं अभी तो कुछ नहीं है तो क्या था ये काम कर मेरा नंबर लिख हाँ बताओ 8979 4138567 आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम है दीपक नाम हुआ मेरा वैसे तो मेरे को कॉल कल कॉल करना मैं तेरे को अपनी सस्ता से मिलाता हूँ हमारे वहाँ बुक्स और बच्चों के लिए अच्छी परसेंटेज में सब किताबें सब मिलती हैं तो मेरे को कल कॉल करना है चल भी बुला देते हैं एक नया दोस्त और एक नई दिशा मिली और वह फिर एक बार इस प्रवाह में बहता चला गया हेलो हाँ हेलो हाँ भैया मैं ये दोनों इंडिया का आ गया हाँ बुलाया आनंद स्वीट के सामने आ गया अरे बुला ठीक है हाँ भैया आ जाए क्या बात है ठीक है क्या कह रहे हैं सर ये पहाड़ पर आ रखा है अपने मुख्यालय से अच्छा फिर फाइलिंग है कि कोई भी नहीं मिली कुछ भी पैसे की कमी नहीं उसको किताब को थोड़ा सा हो गया वो FIW के बारे में बताया हाँ कल का मैंने बता दिया फिर तो भाई कहाँ से है मैं तो भी बाहर नहीं अच्छा कोई बात पूछे कहाँ क्या नाम है किस चीज़ की तैयारी तैयारी कर रहा है तैयार ये संस्था है तैयार कर रहा है और तो हमारी एक संस्था है MIW करके तो ये संस्था लोकल मतलब हमारे मुंशारी के लिए बनाई गई है इसमें मुंशारी क्षेत्र में दुर्गम जितने दूर दूर के बच्चे हैं उसमें सब उनको जोड़ रहे हैं अभी फिलहाल तो इसमें 30-35 बच्चे हो गए हैं इस संस्था का संस्था द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि मतलब हम उन छात्रों को उन विद्यार्थियों को आगे करें सपोर्ट करें जो अपनी ऐसी मतलब परिस्थितियों में जूझते हैं जो अपना नहीं कर पाते 100% नहीं कर पाते सबकी स्थिति तो एक ऐसी होती नहीं है ठीक है तो हम ऐसे छात्रों को सपोर्ट करते हैं ठीक है अभी इसमें काफ़ी 35-36 बच्चे हो गए हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं और अदर कोर्स भी करते हैं तो हम सारे चीज़ें अवेलेबल कराते हैं तो आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है ग्रेजुएशन किससे करते हैं ग्रेजुएशन का यहीं से करा है यहीं से अच्छा तो आपका इंटरेस्ट किस और है अच्छा मैथ्स वैथ्स वाले की नहीं हो ना अच्छा ठीक तो हिंदी अब 8 सब्जेक्ट बता रहे हो आप तो आपके लिए उत्तराखंड की तैयारी बेहतर रहेगी करने को तो और भी कर सकते हो लेकिन अब आप खुद कह रहे हो कि मैं हिंदी आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो आपके लिए वही स्वेटेबल रहेगा ठीक है तो आप जैसे तैयारी में फेज में जाओगे आप बस मैं ये बोले तो पूछा कहाँ पा रहे हैं बताओ अच्छा अच्छा ठीक है मैं भेजता हूँ तो जाओ यार हेलो आवाज आ रही मेरी सबको पीछे तक आ रही हाँ तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी अपने बारे में जैसे कि भाई साहब ने बताया मेरा नाम जी एच पापरा मैं रिटायर्ड जज हाईकोर्ट से वीवीएस रिसेंटली इससे सारे रिटायर हुआ था तो मैं वैसे मुंशारी
का देने वाला हूँ, ठीक है। दिलम सुना होगा आपने, हाँ। तो मैं आपको एक छोटी सी अपनी जर्नी बताता हूँ, ठीक है। तो जिस टाइम पे मैं बचपन में जो मेरी पढ़ाई हुई वो ये प्राथमिक विद्यालय गुजराती हुआ, जो बचपन था पाँच पास हो गए, ठीक है। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई थी वो मैंने की, ठीक है। स्कूल दूर था, गुजरात में कोई विद्यालय नहीं थे, पढ़ नहीं पाए, उस टाइम पर जमा नहीं ऐसी ना। तो फिर मैंने क्या करा, दो चार बकरी ले जोड़ लिए, ठीक है। फिर बकरी चलाने लग गया। तो फिर क्या हुआ, दोस्त कुछ ऐसे बने गांव में, नशा करने लग गया, तो भांग गुटखा सब। तो इसमें से पूरी नशे में लिप्त हो गया, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कभी बकरी वहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, खेत बंजर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, बस पढ़ा है नशा कर रहे। तो हुआ ये उस टाइम पे भाई साहब बोले, यार गुलाम यू थे कि हाँ ले रहे यस कि रहते बस भगनारे छोड़ जब ना खानी खान से और अत्य बीती दौर बीत जाते हैं, है ब्याह के भौले जैन है और गुटका से दिल खा मिल हो दान के रहते हैं। तो भाई साहब ने बोला, चलो मैं आपको पढ़ाई के लिए इलाहाबाद दे जाता। तो पहले तो मैं गया ही, तो भाई साहब मुझे पकड़ के जबरदस्ती ले इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में भी उसके बाद मेरी पढ़ाई की, वहाँ से एनएलबी की पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करा, उसके बाद वकालत की, और यहाँ रिसेंटली में उससे पहले जो जज से पहले मैं रामनगर में था, जजी पे रहा, उसके बाद मैं नैनीताल से रिटायर एज ए जज। तो ये मेरी जर्नी थी छोटी सी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी मुरादाबाद जा रहा था, कभी आया मैं घर से, तो भाई साहब ने बताया कि एक हमारी ऐसी सी संस्था है और हम इस तरह से बच्चों से जो शहर से आ रहे हैं बच्चे दुरुस्त, उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, एडवेंचर से हो, गेम से हो, हर क्षेत्र में। तो सुन के काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार मिला जाए बच्चों से। तो थोड़ी वार्तालाप हो जाए, बेटा आप बताइए आप। अरे पारी तो आ गई, पारी बोलो। बहुत बढ़िया, क्या बेटा किसी तैयार करवा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बेटा। अच्छा हाँ होशारी वहाँ से, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। आप किसी तरह इतना गंदगी, ठीक 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 बेटा। आप क्या कर रहे हो, कोई किस चीज़ की तैयारी हुई आपकी, उत्तराखंड की? तो ज़्यादातर से उत्तराखंड की तैयारी है, आप भी उत्तराखंड की तैयारी कर लो। ये बुक्स मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा, और भाई साहब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी संस्था बना रखी इन लोगों ने, और ये हमेशा तत्पर रहते हैं, और मैं भी हमेशा तत्पर रहूँगा आप लोगों के लिए, और जो भी समस्या हो उसका समाधान करने की चेष्टा करूँगा, हमेशा तत्पर रहूँगा। और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, छोटी सी धनराशि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। एक मंच दिया, तो मुझे अभी कहीं जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, तो ठीक है। जो खराब अपने पापा एक्सपायर या विषय लेना होगा 100% मार्क्स है, और जैसे वो सैनिक पर अरे इनका यार नीचे कोचिंग देखी तुमने, उमेश किशोर बागी, उसके बगल में हमारी लाइब्रेरी है, आप भी दिखा दो। ये बच्चे हैं देखो यार, ये पढ़ रहे हैं, ये सब हिमाचल वाले हैं। अगर तुम पिछली स्कूल बताता हूँ मैंने किताबें जमा दे रही, बैठ जा भाई, पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। सूरज अब सही मार्गदर्शन में जाने लगा और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। सूरज ने इसी बीच पटवारी का पेपर तो दिया, लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया।
यार बुला पढ़ाई लिखाई अनेरन थरा चाह पिनु पे कैंटीन एंड में जा बैठ सूरज और दीपक हर हफ्ते माइवा के ऑफिस में मॉक टेस्ट लगाने लगे। दिन गुजरते गए और एक एक कर सूरज की सारी समस्याओं का हल होने लगा। यह संस्था सच में सूरज के जीवन में एक फरिश्ते की तरह आया था। सूरज अब कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगा और सूरज ने कुछ समय पहले समीक्षा अधिकारी का पेपर भी दिया हुआ है और इस कड़ी मेहनत के बाद आज वो दिन आ गया है जिसका उसे इंतज़ार था और वो दिन था रिजल्ट का दिन। अरे भुला यार आज कौन है तो आरो यार भी चाहिए वो रात आने वाली भी जाए तो नहीं करते चाहिए ना तो लीजिए ना अपन ऐसी ना चाहिए रुपए अरे अब चाहिए ना थोड़ा जाइए कितने दे दे ये कह रहे थे विशाल मतलब बात तो यही की रहते मतलब नहीं पता है जवाब कौन को तो पता नहीं 8 7 6 5 4 3 सूरज सिंह बताओ यार थे हेलो नमस्ते अरे ये नौकरी लग गया नमस्ते नौकरी लग गया नौकरी लग गई नौकरी मैं जो समीक्षा अधिकारी मैं एक अधिकारी बन गया और आज वो दिन आया जब सूरज को आईवा के ऑफिस में बुलाया गया सम्मानित किया गया आज सूरज मिला था चला गया एक सूरज भाई का सिलेक्शन हो गया समीक्षा अधिकारी में बहुत खुशी की बात है सूरज भाई ने बहुत मेहनत करी साथ में इनके घरवालों का बहुत हाथ था और छोटी सी हेल्प हमारी संस्था ने भी इसको करी तो हमारे बीच से एक अधिकारी बन गया है खुशी की बात है आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो आज आगे रिजल्ट देखने को मिलेगा और एक आध लोगों को बहुत अच्छी बात है सब लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से ठीक है सूरज भाई आप भलाई के पात्र हो तो आप बच्चों को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था जिसमें मेरी अच्छी खासी रैंक आने के बाद मेरे अच्छी खासी पोस्ट मिली ये सफर मेरे अकेले का नहीं था इसके पीछे मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे भाई बहनों का स्नेह भी था और साथ ही साथ MIW संस्था का बहुत बड़ा सहयोग भी रहा जिस हालात से मैं गुजरा जिस जगह से मैं था
और जिस रास्ते में मैं था उस रास्ते से मेरे को एक सहारे की तरह, एक बड़े भाई की तरह दीपक भाई मिले, जिन्होंने मेरे को MIWA के बारे में बताया, उससे जुड़ी बातें बताई, जैसे कि लाइब्रेरी, कोचिंग, बुक्स, टाइमिंग और प्रैक्टिस सेट करवाते थे, जिससे मेरे को बहुत सहायता मिली और मेरे को पेपर निकालने में और भी मदद हुई। और जैसे साथ ही में हमें कोशिश करनी चाहिए कि चार स्कूल में जा रहे बच्चों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि हमें आगे एक लक्ष्य रखना चाहिए, जिससे कि वो जब शहरों की तरफ आए तो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके आए और उन्हें ये भी पता चले कि लक्ष्य को निर्धारित करके वो नहीं लगेगा कि हमें लक्ष्य को पाना है, जिससे वो गलत रास्ते में ना जाए और साथ ही अपनी मेहनत और लगन से अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और साथ ही मैं MIWA के साथ जुड़ के इस संस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा और साथ ही मैं आने वाले भविष्य में छात्रों को आर्थिक सहायता एवं अपना मनोबल बढ़ा दूंगा और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। दूर गांव का लड़का एक महानगर पे आके कैसे संघर्ष करता है, किन किन चीज़ों से संघर्ष करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, उसकी एक झांकी आपने देखी। ऐसे ही कई कहानियां हमारे आसपास अभी भुनी जा रही हैं, अभी बाकी है बाहर आने। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुनशारी से आके पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या किसी अन्य गांव से आकर पढ़ रहे हैं और उनकी भी एक कहानी होगी और उनकी भी एक जर्नी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नाटक को अपना पूरा अटेंशन दिया, आपने पूरा सहयोग दिया और बहुत ध्यानपूर्वक इस नाटक को सुना समझा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये नाटक पसंद आया होगा और